ये है दिल्ली दर्पण। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में मॉडल टाउन सड़क हादसे में दो बच्चियों की मौत को अभी भूले भी नहीं थे कि आज भारत नगर में भी सड़क हादसे में एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई। घटना दोपहर की है। शालीमार बाग के रहने वाले 64 वर्षीय इंद्रपाल सिंह अपने मामा के साथ रोशनारा रोड जा रहे थे कि भारत नगर स्कूल के पास मुख्य सड़क पर एक ट्रक ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। इंद्रपाल की उसी ट्रक के पहियों से कुचलकर मौत हो गई। ये मौत इतनी दर्दनाक थी कि उसके मामा की रूह कांप गई। इंद्रपाल का शव बुरी तरह कुचला गया। मैं एक्चुअली क्या है, अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था तो मैंने देखा यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। तो एक सरदार आदमी था तो मैंने देख के, हम रुके, वीर जी मेरे साथ हैं, ये भी हम दोनों इकट्ठे रुके, तो हमने देखा कि उनकी जो लाश पड़ी हुई है वो बहुत ही भयानक स्थिति में पड़ी हुई है और उनकी आंखें बाहर आ चुकी हैं, दिमाग बाहर आ चुका है और दूर दूर तक फैला हुआ है। तो एक टेम्पू वाला है जो सामने खड़ा हुआ है, टेम्पू वाला, तो वो दारू पी के, शराब पी के वो चला रहा था, तो उसने सरदार जी को हिट किया है और उनके सिर के ऊपर से जो है टेम्पू दो तीन बार निकाल के लेके आया। जाते हुए मेरे को देखा मैंने कि सरदार जी सिंह साहब थे, इनका एक्सीडेंट हुआ है, तो ब्रेन बिल्कुल बाहर आया हुआ था और बिल्कुल कपड़े बिखरे हुए थे। और आप देखो तो जस्ट ट्रक के टायर के नीचे जहाँ से वो गए हैं तो पूरे नीचे बाल भी चिपके पड़े हैं। मतलब इतनी तेज़ी से वो लेके गया ट्रक कि मतलब बिल्कुल ही, और आप बॉडी देखने की हालत में नहीं थी, बिल्कुल सिर फटा पड़ा था। मैं उस साइड से शादी मार्ग से अब रोशनार रोड जाते, ये भी वहीं जाते हैं, तो इधर ट्रैफिक ये जाम था, बंद था ना ये रोड, उधर से देखो कन्वर्ट हो रहा है। मैं भी उधर से चला गया तो उधर काफ़ी लोग गाड़ी के पास, जो ट्रक खड़ा जिसे हमारा है वहाँ काफ़ी खड़े से लोग, तो मैंने कहा क्या हो गया, बेटा मेरे साथ था, कहता ये एक्सीडेंट हुआ। वहाँ से हमने जाकर मैंने कहा ये तो पद ही हमारा बन जा सका, हमारे पसीने छूट गए। यहाँ आके देखा बेचारे कि बिल्कुल औंदरे बाहर आ गए, अंदर से फेफड़े बाहर आ गए, सिर पूरा फटा हुआ। इनको घर फ़ोन किया है, अब देखो ये पूछा नहीं पता, तो उसने शाप भी दिया गाड़ी वाले, उसका एक आई विटनेस भी, उसका डेस्टिनेशन मैंने उसे नोट कर दिया। इंद्रपाल और उनका भांजा दोनों साथ साथ अलग अलग स्कूटी से जा रहे थे। इंद्रपाल का शव इतना क्षतिग्रस्त हो चुका था कि उसे पहचानना तक मुश्किल था, लेकिन साथ आए मामा की वजह से उसकी पहचान हो सकी। भारत नगर थाना पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। लेकिन नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में दो दिन में हुई दो घटनाओं में तीन लोगों की मौत चिंता का विषय जरूर बन गई। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन योगेंद्र कुमार और सोनू अंसारी के साथ डिंपल भारद्वाज की रिपोर्ट।